हम लोग अपने नए होटल में चेक इन जब किए थे तो आप लोग को दिखाए नहीं थे रूम टूर, तो रूम टूर देते हैं। आओ, ये स्टार्ट होता है हमारा होटल का रूम, स्मार्ट लॉक। ये सारे वो नियम हैं, जब आप फॉरेन जाते हो तो ये नियम पढ़ने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में तो आप बेवकूफ़ नहीं बनोगे। ये एक छोटा सा हमारा चाय कॉफ़ी ग्लास, केटल, टिश्यू पेपर, और ये क्या है? ओ, ब्लैंक मिनी फ्रिज है ये तो, खाली, एम्प्टी, सॉरी, ब्लैंक। बंद करो ठीक से। ये जूते रखने के लिए, लगेज रखने के लिए, और ये देखो। क्यों कर दिया? वाओ, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी दिया, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी है, ये भी है। ठीक है। कुछ कीमती सामान रखना हो तो, अगर हो तो, हमारे पास है नहीं। है नहीं। वॉशरूम छोटा सा है, वॉशरूम कोई बहुत खास नहीं है। ये आपका शावर एरिया, ये आपका पीपू पैलेस, ये आपका, और ही बॉबर, इतना बड़ा मिरर, तो ये देखो कितना अच्छा है, इतना बड़ा मिरर। बाकी ये सब तो शावर कैप, वो भी टिश्यू। नहीं दिया। अब रूम दिखाते हैं, अब बेड देखिए। वाओ, छोटी बच्ची हो क्या? और देखते ये छोटा सूरज दे रखा है, टीवी, जिसमें मेरे को बोला गया कि चलता है, चेक देखेंगे चलता है कि नहीं मिरर चलता। दिखाओ, पूरा ये मिरर देखिए भाई साहब, फुल लेंथ मिरर। 8 फीट का मिरर है, दो मेरे जैसे लंबे लोग। और ये देखिए, ये छोटा सा सिट आउट एरिया। तो अब मैं इसको कॉर्नर से इस रूम को दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा ये कितना बड़ा रूम है। और व्यू भी है यहाँ से पूरा, वाओ। ये देखिए आप, ठीक है। अब मैं आपको इन सब पे चलते हुए दिखाता हूँ। व्यू दिखाओ यहाँ से, बालकनी व्यू। और इस होटल से व्यू है, और बाहर थोड़ा सा हमारे लिए सिट आउट एरिया है बालकनी जो हम आपको दिखा सकते हैं, ये दिखाएंगे भी। ये हमारा थोड़ा सा सीलिंग का है, और इसी होटल का नीचे रूफ टॉप रेस्टोरेंट भी है। रेस्टोरेंट, रेस्टो बार, जो आजकल के ज़माने में लोग बोलते हैं ना, रेस्टो बार है। और इस होटल का नाम है होटल ताशी दिलेक, और ये एकदम MG मार्ग पे ही है भाई साहब। पहली बार पंखा देखा है मैं, यहाँ पे 4-5 दिन से पंखा नहीं देखा था मैंने। अरे चार पांच पैर दिन छूनू में इसके, हे सात आठ दिन भगवान, पंखा देव। बहुत ही प्यारा सा होटल है ये, रूम बहुत प्यारा है ये यार। ये तो, ये रूम हमें पड़ा 5,600 पर नाइट विथ ब्रेकफास्ट, जो कि इस लोकेशन के हिसाब टीवी बहुत बड़ा है ये। अगर ये टीवी हमारे बैग में पैक हो जाता तो हम चुपचाप पैक कर लेते। और ये देखो भाई, सैमसंग का है। ज़्यादातर होटल्स में ना चीप कॉल, चीप कंपनी का लगा देते हैं, नाम नहीं लूँगा, चीप कंपनी का। और ये छोटी सी स्टडी टेबल जो खुलती नहीं है, अच्छा ऐसे ही है। डिजाइन। हाँ, रिसेप्शन क्लीन 999, रूम सर्विस तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ पर नंबर क्यों लिखा है? तो आप ये रूम टूर तो आपने देख लिया, होटल का नाम भी मैंने आपको बता दिया। तो अब अगले 3 दिन ये हमारा नेचुरल हैबिटेट होगा, वनस्पत, हम यहीं पे सब कुछ, यहीं पे हम लोग सब कुछ करेंगे जो एनिवर्सरी पे कपल्स करते हैं। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होके बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, MG रोड घूमेंगे। रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि बाहर बारिश हो रही है बहुत। आज साइट सीइंग कर लिए, 4-5 स्पॉट्स देख लिए, 2 वाटरफॉल देख लिए, लोकल ड्रेस में फ़ोटो खिंचा ली, बर्ड बर्ड कह रहे, फ्लावर सेंटर देख लिया, और क्या देखना है? अब कल का कल देखेंगे। लाइटें जलनी शुरू हो गई, बहुत सुंदर लग रहा है बाहर, आप देख सकते हो, टिमटिमा रहा ना। इस होटल का जो रेस्टोरेंट है वो बहुत फेमस है फॉर इट्स फ्यूजन फूड, वो भी हम ट्राई करेंगे। अभी तो 3 रात है, कोई एक रात डिनर यहीं करेंगे। तो तुम्हारे कहने का मतलब, ये जो हवा फॉग आ रही है, ये बादल है, ये बादल है, मतलब बादल तुम्हारे होटल से पासिंग थ्रू। हाँ, हाँ, बादल सर पासिंग थ्रू, यस, इट्स पासिंग तुमसे थ्रू। पासिंग थ्रू। अच्छा, मैं जब आई थी बाहर तब नहीं था इतना, आने लगा।
आइए ना, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बुलाई कि जल्दी आओ जल्दी आओ। देखो उठ रहा है, देखो चश्मे में बादल है, फंसा लो। अरे इस पे वो आ रहा है ना, पानी जैसा बन रहा है। तो ये जो है ये बादल है। हाँ बादल, अभी हम रोक दिए अपने हाथ से बादल। देखे थे कभी ऐसा? तुम देखी थी कभी ऐसा? हाँ देखी थी। तुम कहाँ देख ली? मैं पापा मम्मी के साथ तपोवन गई थी, त्रिकूट पर्वत, तो वहाँ पे भी ऐसे बादल थे। माँ हम लोग ऐसे करते थे, वहाँ तो ऐसे ऐसे आ रहे थे। और ये सब तारे हैं फिर? नहीं ये तो देखो तारा, गाइस देखो तारा, देखो बादल, हम लोग स्वर्ग आ गए। मजाक लग रहा है, तुम नीचे जाके स्वर्ग आ गए हम लोग इनके हिसाब से। हाँ ऐसे पता चल रहा है कोहरा हो चुका है पूरा। अब आपको लग रहा फॉग, देखो इधर फॉग ऐसे आता है, ऐसे देखे हो कभी फॉग? हाँ सच में देखे हो? फॉग नहीं। तो हम लोग के होटल में बादल भी हुए सच में, बादलों का कॉरिडोर है ये। एक क्लास खत्म हुई, दूसरे क्लास में जा रहे बादल। हाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लास खत्म हो गई, हिस्ट्री क्लास लेने जा रहे। वेलकम टू दी अनुकेश शो। ये है हमारा प्रीमियर एपिसोड, एपिसोड उनो ऑफ दी अनुकेश शो। और आज के हमारे गेस्ट है अनुकेश शो, अनुकेश व्लॉग के सेकेंड हाफ, अन इम्पॉर्टेंट, अनवर्दी, नॉन टैलेंटेड, नॉन सेक्सी, नॉन ब्यूटिफुल, नॉट इम्पॉर्टेंट पार्ट अनुज्ञा जी। आइए आपको आपको मिलाते हैं द अनुकेश व्लॉग के द हाफ बट स्मॉल पार्ट से। थैंक यू फॉर कॉलिंग द अनवर्दी पर्सन, अनवर्दी पार्टनर ऑफ द अनुकेश व्लॉग। नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट वर्दी, नॉट ब्यूटीफुल, वेरी स्मॉल, नॉट सेक्सी, टाइनी। तो कैसा लग रहा है आपको इस शो में आके, जबकि आप डिजर्व ही नहीं करते इस शो के प्रीमियर एपिसोड पे? बताओ इतने बड़े शो के पहले एपिसोड पे आके आपको कैसा लग रहा है? आप फर्स्ट गेस्ट हो, अगर ये शो नहीं चला, अगर ये शो नहीं चला तो सारा ब्लेम आप पे ही आएगा, और चल गया तो सारा क्रेडिट होस्ट पे आएगा। ये कैसा शो है कि सारा क्रेडिट होस्ट खुद ही ले रहा है? होस्ट इसलिए क्रेडिट लेगा क्योंकि गेस्ट उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो अगर शो चल गया तो इसका मतलब होस्ट में कोई बात है। जैसे चलिए पहला सवाल आपसे, आपको कितने दिन हो गए अपना घर छोड़े? सेवन डेज। किस दिन निकले थे आप? सेवन डेज याद ही नहीं, इसलिए बोला था ना नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट वर्दी, नॉट डिसर्विंग, इनको याद ही नहीं है कब निकले थे। 19 तारीख को पेलिंग से निकले थे ना? पेलिंग से 19 को निकले थे, घर से आप पूछ रहे हो? पेलिंग वाला होटल घर जैसा ही तो था। अच्छा घर नहीं था ना। अरे मेरा पहला सवाल आप, दूसरा सवाल आपसे ये है कि जितने दिन आप एयरपोर्ट से लेके अभी तक का जो बेस्ट चीज़ आपने खाया है वो क्या था, सोच के बताइएगा। फिर ये ऐसा नहीं कि दो तीन जवाब दे दे, एक ही चीज़ बतानी है। वो क्रिशुला में जो हम लोग खाए थे, कोरियन रामियन, क्रसुला में कोरियन रामियन नूडल्स, स्पाइसी कोरियन रामियन नूडल्स चिकन। और सबसे, जब से फ्लाइट से लेके अभी तक सबसे ख़राब चीज़ जो खाई है दार्जिलिंग और सिक्किम कंबाइन, वो क्या है, सोच के बताना, दो तीन डिश का नाम नहीं लेना है। क्या था? सब कुछ अच्छा ही था यार, सब अच्छा था, कोई भी खराब नहीं था। दार्जिलिंग में भी खाया हो? नहीं दार्जिलिंग का तो बहुत ही अच्छा था, कुंगा वाला। थोड़ी आगे बढ़ते हैं, ऐसे तो पूरा आधा घंटा का एपिसोड ऐसे ही निकल जाएगा इसके सोच विचार में। यार सब कुछ अच्छा ही था, मेरे को अभी तक ऐसा कोई बहुत ही टट्टी जैसा बेकार सा ऐसा कुछ लगा नहीं कि बहुत ही बेकार है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट सवाल। सबसे बेस्ट साइट जो आपने देखी हो, सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी लगी आपको? एक ही जवाब देना, चार पांच चीज़ें नहीं लेंगी। कंचनजंगा फॉल्स,
कंचनजंगा फॉल्स, इतने सारे प्लेस में सबसे बेस्ट वही लगा आपको? और एक बुद्धा पार्क, बुद्धा पार्क जो बहुत ही बड़ा सा था, जिसमें बहुत बड़ा सा बुद्धा। सवाल पूछने से पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ हर चीज़ कि एक ही जगह का नाम लेना है, एक ही जगह का नाम लेना है, लेकिन इस औरत के दिमाग में घुसता नहीं वो बात। दो जगह का नाम ले ली, एक चीज़ बताओ द बेस्ट। बुद्धा पार्क लॉक किया जाए। और अभी तक जितने भी जगह घूमे उसमें सबसे बोरिंग जगह कौन सी लगी, एक ही जगह का नाम लेना है। फ्लाइट से लेके अब तक जितने भी साइट्स घूमे उसमें सबसे बोरिंग कौन सी जगह थी? ये जवाब पे डिपेंड करेगा, व्यूअर्स उस जगह पे नहीं जाएंगे जो लोग ये देखेंगे, या जाएंगे और देखेंगे ऐसा क्या बोरिंग था जो ये औरत को पसंद नहीं आया। ताशी व्यू पॉइंट तो गैंगटॉक का बहुत प्रसिद्ध जाना माना व्यू साइट है। हम लोग पेलिंग में इतना ज़्यादा अपर जा कर के घूम लिए थे ऊपर तक, तो ये व्यू पॉइंट कुछ, और फॉग भी था शायद इसलिए कुछ दिख ही नहीं रहा था, और बस सीढ़ी पे चढ़ के जाना ऊपर से बस, और कुछ घूमने का भी नहीं वहाँ पे, सीधे ऐसे राउंड लगा के आ जाओ। इतना बड़ा भी नहीं है कि आप पूरा घूम सकते हो, पार्क जैसा कुछ ऐसा नहीं है, उतना तो हमारे होटल से ही दिख रहा है उतना व्यू। अच्छा, नेक्स्ट सवाल, अभी तक आप 4 होटल्स में रुक चुके हैं, इन चारों होटलों में सबसे बेस्ट होटल बजट वाइज, स्पेस वाइज, सर्विस वाइज, फूड वाइज, सिर्फ लुक और ये व्यू से नहीं जाना है, इन चारों, बजट, स्पेस, लुक और फूड, कौन सा बेस्ट होटल था? अच्छी होते हैं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। सोडीजांग, सोडीजांग बता दो ना कहाँ पे था, ऐसे थोड़ी सोडीजांग ढूंढेंगे लोग दुनिया में। सोडीजांग पेलिंग में, अपर पेलिंग। क्या अच्छा था उस होटल में, मतलब ऐसा क्या अच्छा लग गया जो इतने बड़े बड़े महंगे होटलों को छोड़ के वो एक होम स्टे को पसंद किया? क्योंकि उसके रूम बहुत स्पेसियस है, वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल और अच्छे थे, वहाँ का खाना, ब्रेकफास्ट था, लंच डिनर हमने नहीं किया, बट ब्रेकफास्ट अच्छा था, अच्छे से सर्व कर रहा था और टेस्टी था, जो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड भी नहीं था। उसकी बालकनी से पूरा कंचनजंगा, पूरा पहाड़, सब कुछ व्यू इतना अच्छा था, प्लस बाथटब भी था जो हमने यूज़ नहीं किया बट था, तो और बाथरूम भी उसका बहुत स्पेसियस था सब। चलिए, तो ये था आज का हमारा प्रीमियर एपिसोड ऑफ द अनुकेश शो। अब इनके सवालों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप ये व्लॉग देखोगे तो आप कौन से होटल में जाना चाहोगे। अरे बाकी जो होटल्स रुके तो उनका भी नाम बता दो अगर याद हो। नहीं है मुझे, एक तो ये है ताशी व्यू पॉइंट ताशी दिलक, तो ये भी होटल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा प्राइसी है बट इट्स ओके, क्योंकि यहाँ से व्यू अच्छे हैं, जो हमारे रूम से व्यू हैं, बाकी रूम्स का पता नहीं, हमारे रूम से व्यू है। और सामने दिखाओ, ये तारा नहीं है जगमग कर रहा है, ये रेस्टोरेंट है, इसका ही ताशी दिलक का ही रेस्टोरेंट है, और तो बहुत ही अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, रूम बहुत अच्छा है। हाँ तो होटल का ही बोल रही हूँ, होटल के रूम अच्छे हैं, व्यू अच्छे हैं। बाकी दार्जिलिंग में हम लोग रुके थे, क्या नाम था, सेंट्रल कुछ नाम था ना, सेंट्रल हेरिटेज, तो वो भी ठीक था बट उसका रूम बहुत छोटा था, लेकिन वहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा था, पूरा दार्जिलिंग दिख रहा था वहाँ से, बालकनी भी था उसमें, तो वो भी अच्छा था। फिर पेलिंग में सोडीजांग, और उसके बाद अभी यहाँ बीच में एक कौन यहाँ वाले, हाँ वो बेकार था, उसका नाम ही नहीं लूँगी मैं। कुछ रेस्टोरेंट्स में जिनमें आपने खाना खाया उनके भी नाम बता दीजिए ताकि वो लोग जब आए। दार्जिलिंग में आपने कहाँ कहाँ खाना खाया? कुंगा में उसका खाना ऑसम था, मस्त, उसमें लाइन भी लगना पड़ सकता है आपको, बट हमारी किस्मत अच्छी थी, हम गए थे 10 मिनट में हमें सीट मिल गई थी, उसके बाद लाइन लग गई थी, लेकिन खाना वर्थ था, अगर आपको आधे घंटे भी वेट करना पड़ता है तो खाना वर्थ है, ज़रूर जाइए वहाँ पे। और पेलिंग में क्रिसुला में उसका खाना, क्रिसुलाज किचन, उसका खाना ऑसम था, जो कुछ भी हमने मंगाया, हाँ काबुर का भी अच्छा था खाना, तो उसका भी बढ़िया था, ये दोनों रेस्टोरेंट्स अच्छे थे। क्रिसुला किचन, उसका खाना मुझे इतना पसंद आया कि कभी भी हम लोग रेस्टोरेंट रिपीट नहीं करते हैं, बट उसका हमने रिपीट किया था डिनर, 2 दिन लगातार हम वहाँ गए थे, तो बहुत ही अच्छा था। फिर यहाँ पे उसके बाद हम लोग गैंगटॉक में आए, गैंगटॉक में सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बेकर्स क्या था,
बेकर्स कैफ़े, वहाँ ब्रेकफास्ट के लिए आप जा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा था। फिर अभी शाम में हम लोग कहाँ गए थे, जहाँ लाफिंग खाने गए, लोकल कैफ़े, उसका लाफिंग बेस्ट था। पिज़्ज़ा हमने मंगाया था, पिज़्ज़ा भी बेस्ट था, ऑसम, मज़ा आएगा खा के। ऑलराइट गाइस, तो अब हम ये एपिसोड यहीं पर रैप करेंगे। अब पता नहीं ये एपिसोड चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि ये 10 मिनट का हो गया है। ट्रिम करके मैं इसको 8 मिनट तक ले आऊँगा, ताकि ये एक व्लॉग बन जाए, क्योंकि मटेरियल अगर कम पड़ेगा तो हम ये डाल देंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, स्लीप टाइट, डोंट लेट द बैक बक्स बाइट, और दिस इज़ एकेश, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाफ पार्ट ऑफ द अनुकेश व्लॉग, साइनिंग ऑफ।